दोस्तों हाल ही में खतरों के खिलाड़ी 11 का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें अर्जुन बिजलानी ने ट्रॉफीज जीत के दिव्यांका त्रिपाठी को पीछे कर दिया। हाल ही में दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि उनका पहले से ही पता था कि वो इसको नहीं जीत पाएंगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये खेला है वो सच में एक विनर ही है और वो डिजर्विंग कैंडिडेट थी। और फैंस को जब पता चला कि अर्जुन बिजलानी ने ट्रॉफी जीती है तो फैंस का गुस्सा भी फूटा था। हाल ही में हम क्यों बात कर रहे हैं दिव्यांका त्रिपाठी की, तो चलिए बता दें कि दिव्यांका त्रिपाठी ने ट्रॉफी ना जीतने के बावजूद भी उनके पति ने घर लौटते ही उनके लिए काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन रखा था, तो वहीं उनके परिवार ने भी उन्हें सरप्राइज दिया। दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों काफ़ी चर्चा में है खतरों के खिलाड़ी को लेकर ही, और उन्होंने उनके पति विवेक दहिया ने उनको काफ़ी क्यूट एक सरप्राइज दिया था, और हाल ही में उनके परिवार ने भी साथ में उनको सेलिब्रेट किया। खतरों के खिलाड़ी 11 जीतने के बाद दिव्यांका त्रिपाठी इस वक्त भोपाल में फैमिली के साथ है। जीतने के बाद नहीं, यानी सेकेंड रनर अप रही थी वो, जहाँ से उन्होंने परिवार के साथ में सोशल मीडिया पर काफ़ी फोटोज अपलोड की है। तो भाई दिव्यांका त्रिपाठी सच में एक विनर जैसी ही है और उन्होंने काफ़ी मस्त तरीके से इसको खेला था। सेकेंड रनर अप रहना भी बहुत बड़ी बात है, और अभी इनके फैमिली ने इनको काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया, काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने पार्टी करी है, और इनका परिवार काफ़ी लंबा चौड़ा परिवार है दिव्यांका त्रिपाठी का, और उनके सेलिब्रेशन में साफ पता चल रहा है कि वो कितने खुश हैं अपने जो परिवार के साथ में। तो काफ़ी लंबा चौड़ा परिवार है जो सबके सब दिव्यांका त्रिपाठी के साथ में उनकी खुशी को सेलिब्रेट करने पहुंचा, और इन फोटोज़ में वो काफ़ी खुश नज़र आ रही है अपने परिवार के साथ। तो भाई ट्रिपल के विजेता तो अर्जुन बिजलानी बन गए, लेकिन उन्हें सारी जो सुर्खियाँ हैं वो दिव्यांका त्रिपाठी ही बटोर रही है। इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएँ।